स्वागत है आपका अपने चैनल KCN ट्यूटोरियल में। और मेरे ख्याल से आप लोगों ने ऐप इंस्टॉल कर लिया होगा। अभी नहीं किया तुरंत जाइए गूगल प्ले स्टोर पे KCN फार्मेसी सर्च कीजिए और वहाँ पे ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है। तो आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास पढ़ने जा रहे हैं हम, जिसका नाम है ओरल कंट्रासेप्टिव। बहुत ही सीरियस क्लास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, इससे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं। और हम लोग पढ़ रहे थे फार्माकोलॉजी यूनिट नंबर 5 चैप्टर नंबर 1 सेक्स हार्मोन, ठीक है। इससे पहले क्लास में हम लोगों ने एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन टेस्टोस्टेरॉन की पूरी कहानी ग्राम कथा खत्म कर ली थी। आज हम बात करेंगे ओरल कंट्रासेप्टिव की, जिसको हिंदी में कहते हैं गर्भ निरोधक गोलियां, ठीक है। अब जैसे सहेली आता है, मालाडी वगैरह आता है, ठीक है। तो अब इसकी बात करते हैं कि ये क्या है, क्यों है, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, ये कैसे काम करता है, कैसे कैसे चीजें मार्केट में आती है, पूरी हिस्ट्री इसकी हम जानेंगे आज की क्लास में। तो सीरियसली चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज द ओरल कंट्रासेप्टिव। देखिए, हमारे देश की पॉपुलेशन जब 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ, तो उस केस में जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमारे देश की आबादी लगभग 30 करोड़ थी, ठीक है। और आज करीब 75 सालों में 2020 की कहानी अगर आप देखें तो हमारी आबादी 1,30,00,000,000 से ज्यादा है। यानी जो ये पॉपुलेशन बढ़ रहा है ना, इसको पॉपुलेशन बढ़ना नहीं कहते, इसको पॉपुलेशन का विस्फोट कहते हैं। दिस इज कॉल्ड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन या जनसंख्या विस्फोट। यानी बहुत तेजी से जनसंख्या बढ़ी है, और जब जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ेगी तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। इसको इस तरह समझिए कि आपके घर में 4 मेंबर हैं, 5 मेंबर है, एक घर चल रहा है सुचारू रूप से, अचानक से आपके घर में 25 मेहमान 30 मेहमान आ जाए तो आपको उनको सुलाने में, खिलाने में, पिलाने में, नाश्ता कराने में भी आपको दिक्कत शुरू हो जाएगी। वही स्थिति ये देश झेल रहा है, ठीक है। तो जनसंख्या विस्फोट जब हुआ तो धीरे धीरे लोगों को लगने लगा कि कुछ ऐसा कंट्रोल किया जाए कि जनसंख्या के नियंत्रण ये चीज बढ़ना कम हो। तो लोगों को अवेयर करना शुरू किया गया, जानकारी देना शुरू किया गया। देखिए, बहुत पहले हमारे यहाँ जो देश था यहाँ पर्याप्त संसाधन नहीं थे, ठीक है। लोगों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, उनको लगता था कि जो ये बच्चे हो रहे हैं ये ऊपर वाले की देन है, उनकी दया दृष्टि से बच्चे होते हैं। एक्चुअल मैकेनिज्म उनको पता भी नहीं थी। कुछ और भी रीजन अगर आप जाके डिटेल में पढ़ेंगे, कभी ऐसे पढ़ेंगे लिखेंगे जनसंख्या विस्फोट पे, तो आप जानेंगे कि हमारे यहाँ पहले पर्याप्त जानकारी नहीं थी, मनोरंजन के साधन नहीं थे, लोगों के पास टीवी वगैरह नहीं थे, दिन भर घूम टहल के आए तो शाम को उनको अपने वाइफ के साथ या घर वाले के साथ ही रहना होता था। तो बहुत सारे इन सब चक्करों में जनसंख्या बहुत तेजी से हमारे देश की बढ़ी। तो जब जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ी तो उसको कंट्रोल करने के लिए साइंटिस्ट लोगों ने, सरकारों ने कुछ अलग अलग योजनाएं बनानी शुरू की। उसी के बाद से ये कंट्रासेप्टिव पिल्स की कहानी शुरू, ठीक है। तो कंट्रासेप्टिव पिल्स की कहानी शुरू होने से पहले आपको ये जानकारी हो जानी चाहिए कि बच्चे होते कैसे हैं और बच्चे को होने से रोका कैसे जा सकता है, ठीक है। तो कंट्रासेप्टिव, ओरल कंट्रासेप्टिव्स आर दोज ड्रग्स व्हिच आर यूज्ड टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी इन फीमेल्स एंड हेल्पिंग इन द डाउन द पॉपुलेशन ग्रोथ। देखिए, होता क्या है, आपको अगर थोड़ी सी चीजें याद हो, ये कुछ स्ट्रक्चर अगर आपको मैं फीमेल पार्ट का दिखाऊं, ठीक है, तो ये अगर आपको स्ट्रक्चर याद होगा तो ये स्ट्रक्चर देखिए दोस्तों, ये क्या है, ये दो फीमेल्स की ओवरी होती है, एक ओवरी लेफ्ट एक ओवरी राइट। ये आपकी ओवरी है, ये आपका फैलोपियन ट्यूब है, ये आपका यूट्रस है, और यूट्रस की तीन दीवार होती है, मायोमेट्रियम, लास्ट वाली को बोलते हैं एंडोमेट्रियम। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है फीमेल्स में तो यही लेयर कटके बाहर निकलती है ब्लड के साथ, और दिस इज सर्विक्स, और सर्विक्स के साथ जहां पे एंट्री होती है दिस इज कॉल्ड वजाइना, ठीक है। आप इसको कहानी समझिए कि बच्चे होते कैसे, क्योंकि मैकेनिज्म तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि बच्चे होते कैसे हैं, तो बच्चे को होने से रोकना कैसे आप जान नहीं सकते। होता क्या है, फीमेल्स में एक ओवरी ये है, एक ओवरी ये है, और दोनों ओवरी अल्टरनेट मंथ में काम करती है। जैसे मान लीजिए कि अभी चल रहा है नवंबर, तो नवंबर में इस वाले ओवरी से अगर ओव्यूल्स बाहर निकलेंगे तो दिसंबर में इस वाले ओवरी से, फिर हैप्पी न्यू ईयर होगा जनवरी 20 वाले से, फरवरी 20 वाले से, यानी कंटिन्यू अल्टरनेट चलता रहता है। तो जब भी क्या होता है कि इस फीमेल के ओवरी से मान लीजिए कि ओवुलेशन होता है, आपको पता है फीमेल्स में प्रेगनेंसी या मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है 28 दिन का, तो उस 28 दिन के साइकिल में 14वें दिन जो होता है ओव्यूलेशन होता है। इसके अंदर देखिए क्या है, इसके अंदर ओवरी के अंदर भरे होते हैं ग्रैफियन फॉलिकल, ध्यान समझिए, और हर ग्रैफियन फॉलिकल के अंदर जो ओवम होते हैं, ग्रैफियन फॉलिकल के अंदर ऊपर लिखा दिखाई दे रहा है, हाँ ठीक है, यहाँ देखते हैं जो इसी होता है ग्रैफियन फॉलिकल। तो ग्रैफियन फॉलिकल के अंदर जो होता है, मान लीजिए ये ग्रैफियन फॉलिकल, तो इस ग्रैफियन फॉलिकल के अंदर ओव्यूल, इसको सेकेंडरी ओवोसाइट कहते हैं, नॉट ओव्यूल नहीं कहते, ओवम नहीं कहते, इसको सेकेंडरी ओवोसाइट कहते हैं। ये सेकेंडरी ओवोसाइट मैच्योर होता है, और 14वें दिन एक ग्रैफियन फॉलिकल से ये आपका सेकेंडरी ओवोसाइट बाहर निकल जाता है और ये खाली हो जाता है। अब ये जो बाहर निकलता है इसी को बोलते हैं क्या, ओवम।
क्या कहते हैं ओवम, यानी फीमेल्स के प्रेगनेंसी साइकिल में हर 14वें दिन एक ओवरी के अंदर से एक ग्राफियन फॉलिकल से ओवम बाहर निकलेगा, और ग्राफियन फॉलिकल जब खाली हो जाता है तो इसको बोलते हैं सीगल, कार्पस ल्यूटियम। क्या बोलते हैं? कार्पस ल्यूटियम। सबका नाम याद रखिएगा, ग्राफियन फॉलिकल है ओवरी के अंदर, जब ये सेकेंडरी ओवोसाइट को बाहर निकाल देगा तो बाहर निकलने के बाद इसका नाम ओवम, और अंदर था तो इसका नाम क्या था? सेकेंडरी ओवोसाइट। और ये जो ग्राफियन फॉलिकल पहले भरा हुआ था तो इसका नाम ग्राफियन फॉलिकल, और जब ओवम निकल गया तो इसका नाम क्या हो गया? कार्पस ल्यूटियम। अब जब ये ओवम निकलता है दोस्तों, तो ये सबसे पहले आता है फैलोपियन ट्यूब में, और फैलोपियन ट्यूब में आने के बाद कहां पहुंचता है? हमारे यूट्रस। यानी फीमेल्स के अंदर ओवम रिलीज होने के बाद फैलोपियन ट्यूब से घूमते घूमते कहां पे आता है? कार्पस, या सॉरी यूट्रस। वेरी सॉरी। अब रही बात ये कि ये जो ओवम निकला है, ये ओवम कितनी देर तक इसमें रहता है? तो माना जाता है कि करीब 2 दिनों तक, लगभग 48 घंटे या 40 से 45 घंटे तक ये ओवम इसके अंदर भरा रहता है। यानी जब भी ये रिलीज होगा, फर्टिलिटी यानी ओव्यूलेशन होगा, ओवम निकलेगा, तो ये इतनी देर तक यहाँ पे रहता है, और 2-3 दिन के बाद ये डिजनरेट हो जाता है, नष्ट हो जाता है, और यूरिन के साथ बाहर निकल जाता है बॉडी से बाहर के मेल्स। अब क्या है दोस्तों, अगर यहाँ पे ओवम मान लीजिए भरा हुआ है, कब ओवम कैसे निकला? ओवुलेशन के बाद। अगर उसी समय कोई फीमेल या मेल हस्बैंड वाइफ, मेल फीमेल आपस में इंटरकोर्स करते हैं, और वेजाइना के थ्रू एक स्पर्म यहाँ पे आके पहुंचता है, तो उस समय जब ये स्पर्म यहाँ पे पहुंचेगा यूट्रस में या फैलोपियन ट्यूब में, और वहां पे जैसे ही ये ओवम के साथ फ्यूज होगा, यानी ये स्पर्म ओवम के साथ जैसे ही फ्यूज होगा, तुरंत जायगोट बनेगा, और वो जायगोट जाके इम्प्लांटेशन होगा। व्हाट इज द इम्प्लांटेशन? देखिए इसको समझिए, जब भी स्पर्म और ओवम आपस में मिलते हैं तो फ्यूज होके जायगोट बनाते हैं, और जायगोट बनने के बाद ये इंडोमीट्रियम की दीवार से जाकर चिपक जाते हैं। इसको समझिए, मान लीजिए ये 2 इंडोमीट्रियम की दीवार है, तो ये आके यहाँ पे चिपक जाएगा, तो इस चिपकने को ही क्या बोलते हैं? इम्प्लांटेशन। क्यों चिपकता है? क्योंकि जब ये दीवार से चिपक जाएगा तो इस दीवार की सहायता से इसको न्यूट्रिशन मिलना शुरू हो जाएगा, और इसका ग्रोथ होना शुरू हो जाएगा, और धीरे धीरे ग्रोथ होते होते 9 महीने में ये बेबी का रूप लेके शरीर से बाहर। क्लियर हो गया? इस तरह से बच्चे होते हैं। दूसरा चीज क्या है कि मान लीजिए कि किसी और दिनों में, नॉर्मल दिनों में, जब ओव्यूलेशन नहीं हुआ है और ओवम बाहर नहीं निकला है, उस समय अगर इंटरकोर्स हो रहा है और स्पर्म अंदर जा भी रहा है, तो भी प्रेगनेंसी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी प्रेगनेंसी? क्योंकि वहां पे ओवम है ही नहीं। जब स्पर्म गया, स्पर्म भी बॉडी के अंदर 1-2 घंटे 3 घंटे एक्टिव रहेगा, उसके बाद नष्ट होकर बाहर निकल जाएगा। तो वो स्पर्म जब होता है, जो अंदर गया, तो उसको ओवम मिला ही नहीं, तो ओवम ना मिलने के कारण प्रेगनेंसी होने के चांसेस नहीं है। लेकिन प्रेगनेंसी कभी होगी जब इसके अंदर ओवम उसको मिलेगा। क्लियर हो गया? ये हो गया कैसे बेबी होता है। अब हम बात करें कि कैसे हम इसको रोक सकते हैं। 2-3 तरीके आप इसको समझिए। सबसे पहला कि जो ये ओवम निकल रहा है, इस ओवम को निकलने से हम रोक दें। थोड़ा कठिन प्रोसेस है, आप नहीं रोक सकते, इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगी, कुछ चीजें डिस्टर्ब हो जाएंगी, लेकिन अगर ओवम के रिलीज को ही हम रोक दें, ठीक है, तो ये जो आपके कंट्रासेप्टिव पिल्स आते हैं, मालाडी वगैरह, क्या करते हैं? इनका यही काम होता है कि ये ओवम के रिलीज के रेट को कम कर देते हैं, ओवम को निकालना बंद कर देते हैं। पहले दूसरा क्या हो सकता है कि स्पर्म की एंट्री को रोक दे, यानी जो स्पर्म है जो वेजाइना के थ्रू पहुंच रहा है यूट्रस में, उसकी एंट्री को रोक दे। अब उसकी एंट्री को रोकने का तरीका है कि कुछ ऐसा हम लोग क्या लगाएं, कुछ ऐसा बॉर्डर या बाउंड्री क्रिएट करें, या कुछ ऐसा हम लोग अवरोध क्रिएट करें ताकि स्पर्म अंदर ना जा सके। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कॉन्डम्स, ठीक है। कॉन्डम्स का यूज करने से क्या होता है कि स्पर्म जो है वो कभी भी इस वेजाइना के थ्रू या यूट्रस के अंदर प्रवेश नहीं कर पाता। तीसरा तरीका क्या है कि अगर मान लीजिए स्पर्म अंदर जा भी चुका है, तो जो ये आपके जायगोट बन चुका है, इस जायगोट का इम्प्लांटेशन ना होने दो, क्योंकि जब तक इम्प्लांटेशन नहीं होगा उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, बच्चा बड़ा नहीं होगा। तो क्या होगा, जब इम्प्लांटेशन नहीं होगा तो फ्यूज होने के बाद भी ये आपकी बॉडी से बाहर, क्योंकि जब ये इम्प्लांट नहीं होगा तो ये तो तैर रहा है भाई। जब आपका जायगोट है वो इम्प्लांट नहीं हुआ है तो इस ट्यूब में तैर रहा है, और तैरते तैरते क्या निकल जाएगा? बाहर निकल जाएगा। तो इसका काम क्या होता है, कुछ पिल्स आती हैं जो आफ्टर द कोर्स क्या करते हैं, इसको देकर के इस प्रेगनेंसी को अबॉर्ट किया जाता है, ठीक है। और भी बहुत से तरीके हैं, तो थोड़ा सा आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया होगा कि व्हाट इज द कॉन्ट्रासेप्टिव्स। कॉन्ट्रासेप्टिव्स वो है जो इन किसी भी तरीकों से, किसी भी रीजन से, किसी भी फीमेल्स में प्रेगनेंसी को रोकते हैं, प्रेग्नेंट होने से रोकते हैं, दे आर कॉल्ड कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक है। तो
अब इसका एडवांसमेंट बहुत बढ़ गया है क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ गई है, एजुकेशन का खर्च बहुत बढ़ गया, तो हम हर आदमी चाहता है कि बच्चे दो ही है ना, बच्चे दो ही अच्छे। बाकी आपने पंचायत वेब सीरीज देखी होगी, उसमें एक लाइन थी, दो बच्चे हैं मीठी खीर, उससे ज्यादा पढ़ाई होगा, ठीक है। तो उसके आगे देखते हैं हम लोग क्या होता है कि अब क्या है कि आजकल इतनी महंगाई है कि अब एक ही बच्चे बहुत हो गए हैं, तो इसलिए लोगों को कंट्रासेप्टिव पिल्स, कंट्रासेप्टिव मेथड्स, इसकी जानकारी की बहुत ज्यादा जरूरत है ताकि बच्चे ज्यादा ना, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कुछ इसकी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं कि कंट्रासेप्टिव पिल्स स्टार्ट कैसे हुआ। तो हमको कंटेंट लिखना क्या डेफिनेशन के बाद आपको समझाने के लिए था। पहला हिस्ट्री है कि 1940 में सबसे पहले क्या एक चीज डिस्कवरी हुई कि जो फीमेल सेक्स हार्मोन होते हैं कौन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, इनके यूज करके ही, क्योंकि होता क्या है इसको आप समझिए कि जब यहां से ग्रेफियन फॉलिकल से ये ओवुलेशन कब होता है, जब बॉडी में एस्ट्रोजेस्टेरोन का लेवल घटता है और एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है, तो जब प्रोजेस्टेरोन का लेवल घटता है तभी ये ओवरी से ओवम निकलता है, यानी इस आपके ग्रेफियन फॉलिकल से ओवम निकलता है। लेकिन अगर प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ा दिया जाए, घटने ना दिया जाए, तो ये ओवर निकलना बंद हो जाएगा। यानी क्या है कि फीमेल सेक्स हार्मोन्स बेसिकली प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन को यूज करके हम क्या कर सकते हैं कि इस प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं, कंट्रासेप्टिव मेथड यूज कर सकते हैं। सबसे पहली बार 1940 ईस्वी में ये डिस्कवर हुआ था कि अगर फीमेल सेक्स हार्मोन का यूज किया जाए, बेसिकली प्रोजेस्टेरोन का, तो हम ओवम के जो एग है, इसको एग भी बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, जो एवम है उसको एग भी बोलते हैं, ठीक है, अंडा बोलते हैं, एग बोलते हैं, तो ये जो एग है इसको मेच्योर होने से, इसको डेवलप होने से रोका जा सकता है। ये पहली हिस्ट्री है। तो पहले पॉइंट डाले क्या लिखेंगे कि इन 1940 इट वाज फर्स्ट ऑफ दिस वाज फर्स्ट टाइम टू डेवलप अ मेथड टू इनहिबिट द डेवलपमेंट ऑफ एग बाय यूजिंग द प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स या सेक्स हार्मोन्स। ये पहला पॉइंट आप लिखेंगे। दूसरा, 1944 ईस्वी में दो आपके साइंटिस्ट थे, एक का नाम था बिकेन बैच और दूसरे का नाम था पॉलिन कोविक्स, ठीक है, बिकेन बैच और पॉलिन कोविक्स, इन लोगों ने सबसे पहले 1944 में, 1944 में ये बताया कि अगर बॉडी के अंदर प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ा दिया जाए, फीमेल की बॉडी के अंदर प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ा दिया जाए, तो जो ये ओव्यूलेशन होता है, व्हाट इज द ओव्यूलेशन, ग्राफियन फॉलिकल के अंदर से ओवम का बाहर निकलना, यानी इस एग का बाहर निकलना कहलाता है ओव्यूलेशन। मैंने बताया कि फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल में हर 14 दिन बाद एक एग निकलता है, तो इस ओव्यूलेशन प्रोसेस को रोक सकते हैं या कम कर सकते हैं अगर बॉडी में प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ा। मैंने क्या बताया कि प्रोजेस्टेरोन का लेवल घटता है, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है, तभी ओव्यूल निकलता है। अगर प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ाए रहे तो कभी भी एग बाहर नहीं निकल सकता, ठीक है। इसको इस तरह समझिए कि जैसे कि एक कोई गेट है और उस गेट के अंदर कुछ आतंकवादी बंद है और बाहर सिक्योरिटी फोर्सेस करीब 15-20 की संख्या में खड़े हैं, तो जब सिक्योरिटी फोर्स ज्यादा खड़े हैं बाहर तो इनकी हिम्मत नहीं बाहर निकलने की, और जैसे सिक्योरिटी फोर्स कम हो जाते हैं, मतलब बाकी सब चले गए छुट्टी पर, एक ही दो बचे हैं, अब उनकी हिम्मत बढ़ जाए, चोर निकलते हैं, इनको मार लेंगे। उसी तरह जब तक बॉडी में प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ा है तब तक ये ओवम बाहर नहीं निकलता, एग बाहर नहीं निकलता, लेकिन जैसे ही प्रोजेस्टेरोन का लेवल घटता है एग तुरंत रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे कि इन 1944 द टू साइंटिस्ट बिकेन बैच एंड पॉलिन कोविक्स हैव डेवलप्ड द मेथड व्हेन द प्रोजेस्टेरोन लेवल इज इंक्रीज इन आवर बॉडी देन दे डिक्रीज द रेट ऑफ ओव्यूलेशन, ठीक है। तो उन्होंने कहा कुछ ऐसी दवाइयां दो बना करके, कुछ ऐसी गोलियां दो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का कि फीमेल्स को खिला दो तो उनमें ओव्यूलेशन ही नहीं होगा, और जब ओव्यूलेशन ही नहीं होगा तो उनमें प्रेगनेंसी के होने के कोई चांसेस ही नहीं रहे। तीसरा मेथड था सबसे, फिर उसके बाद क्या हुआ कि 1955 आते आते, यानी धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे लोगों के अंदर जागरूकता आ रही है, परिवार नियोजन की बातें हो रही है, संख्या कम करना चाह रहे हैं, जनसंख्या कम करना चाह रहे हैं, तो 1955 में सबसे पहले फैमिली प्लानिंग सेंटर खोले गए। सबसे पहले WHO की तरफ से फैमिली प्लानिंग सेंटर स्टार्ट किए, WHO छोड़िए, मतलब अलग अलग गवर्नमेंट की तरफ से अपने फैमिली प्लानिंग सेंटर खोले गए। उसमें क्या करना था, वो लोगों को अवेयरनेस देते थे, कॉन्डम्स डिस्ट्रीब्यूट करते थे प्रेगनेंसी के रोकने के लिए, बाकी वो जो कंट्रासेप्टिव पिल्स बांटते थे, लोगों को अवेयर करते थे, तो उसके लिए जानकारी देते थे, तो सबसे पहले स्टार्ट हुआ। तो इन 1955 फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट फैमिली प्लानिंग सेंटर्स वेर डेवलप टू अवेयर द पीपल अबाउट द पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अब धीरे धीरे 1960 से 1970 का समय आ गया, और 1960 से 70 के समय के बीच फर्टिलिटी कंट्रोल की बहुत ज्यादा बातें होने लगी, यानी लोगों के लिए कॉन्डोम्स,
कंट्रासेप्टिव पिल्स, इन सब का उपयोग करना आम बात हो गई। पहले जो लोग छुपके से शर्मा के करते थे, धीरे धीरे वो आम बात हो गई, अब वो नॉर्मल हो गई। तो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इन 1960 to 70s, इन द एरा ऑफ 1960 to 1970, द फर्टिलिटी कंट्रोल इज बिकम्स द पॉपुलर थिंग अमंग द पीपल्स, लोगों के बीच बात करना शुरू हो गया। फिर सबसे पहला कंट्रासेप्टिव पिल जो आया था वो एथिस्टेरोन के नाम से आया था, जो जिसमें बेसिकली क्या था, प्रोजेस्टेरॉन था। मैंने क्या कहा, अगर प्रोजेस्टेरॉन खिलाओगे प्रेग्नेंट को, लेडीज को, फीमेल्स को, तो उसके अंदर ओव्यूलेशन नहीं होगा। तो सबसे पहली जो दवा आई थी वो क्या थी, उसका नाम था एथिस्टेरोन। ये जीपैड का क्वेश्चन ध्यान समझिएगा, द फर्स्ट कंट्रासेप्टिव पिल्स आर एथिस्टेरोन, और उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट क्या था, केमिकल प्रोजेस्टेरॉन, जिसको प्रोजेस्टिन भी कहते हैं, विच कंटेन द एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट प्रोजेस्टेरॉन। ये सबसे पहला पिल आया था। उसके बाद सबसे पहला कॉम्बिनेशन पिल, जिसमें दो दवाओं का कॉम्बिनेशन था, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजेन, वो था, उसका नाम था इनोविड। क्या नाम था, इनोविड। द फर्स्ट कॉम्बिनेशन कंट्रासेप्टिव पिल्स इनोविड वॉज डेवलप्ड, सबसे पहला जो था इनोविड था। अब तो ढेर सारे आ गए हैं, बहुत सारी दवाइयां आ गई है मार्केट में। तो मेरे ख्याल से इसकी हिस्ट्री आपको समझ में आ गई, कंट्रासेप्टिव पिल्स की हिस्ट्री क्या है, ये कैसे काम करता है। अब मैंने आपको पहले समझा दिया कि मैकेनिज्म समझ लिया, कैसे ये काम करता है, कैसे हम रोक सकते हैं। तो कुछ प्रपोज्ड मैकेनिज्म है जिसके द्वारा से हम कंट्रासेप्शन को रोक सकते हैं, इनहिबिट कर सकते हैं, यानी कि सॉरी प्रेगनेंसी को हम रोक सकते हैं। तो कुछ प्रपोज्ड मैकेनिज्म में छह मैकेनिज्म है, छह मैकेनिज्म के बारे में जान लेते हैं। चलिए अगली हेडिंग, प्रपोज्ड मैकेनिज्म फॉर कंट्रासेप्टिव पिल्स। ठीक है, कैसे कंट्रासेप्टिव पिल्स काम करते हैं, कैसे गर्भनिरोधक गोलियां काम करती है, मेल के लिए भी होती हैं अलग, फीमेल्स के लिए भी होती हैं, तो इनके लिए हम लोग देखते हैं कैसे काम करती है। तो कुल छह मैकेनिज्म है। पहला मैकेनिज्म है इनहिबिट ओव्यूलेशन, मैंने बताया ना पहला, कि प्रोजेस्टेरॉन दे दोगे तो ओव्यूलेशन नहीं होगा, तो जब ओवम यहां पे नहीं आएगा तो स्पर्म जाके फ्यूज ही नहीं होगा, बच्चे होने की कोई सवाल ही नहीं है। पहला है इनहिबिटिंग ओव्यूलेशन, बस नाम नाम आपको लिखना है। दूसरा है मॉडिफाइंग द सर्वाइकल म्यूकस, व्हाट इज द सर्वाइकल म्यूकस, आपको पता है कि ये वेजाइना है और ये सर्विक्स है। ये जो सर्विक्स है, यहाँ पे जब फीमेल्स में कॉपुलेशन होता है, जब फीमेल्स में इंटरकोर्स मेल और फीमेल के बीच होता है, तो ये सर्वाइकल सर्विक्स जो है एक लिक्विड रिलीज करता है, व्हाइट कलर का एक लिक्विड रिलीज करता है। ये लिक्विड का काम क्या होता है, वो म्यूकस की तरह होता है। इसका काम क्या होता है, ये स्लिपरी बना देता है, मतलब स्लिपरी मतलब थोड़ा सा ढीला करता है, ताकि स्पर्म बहुत आसानी से अंदर जा सके। तो क्या करिए, अगर मॉडिफाइंग द सर्वाइकल म्यूकस, अगर म्यूकस को हम जो स्लिपरी है वहां पे जो लिक्विड का रिलीज है उसको कम कर दें, तो म्यूसर स्पर्म कभी भी सटक के या स्लिप करके अंदर नहीं जा पाएगा। तो स्पर्म के एंट्री को हम इस तरीके से भी रोक सकते हैं कि सर्विक्स के जो म्यूकस के रिलीज को मॉडिफाई करके। ठीक है, तीसरा है स्लो डाउन द रेट ऑफ ओवम ट्रांसपोर्ट, जो ओवम है यहां से निकल के धीरे 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 यहां तक आता है, हम इसके ट्रांसपोर्ट को भी स्लो कर सकते हैं। कैसे, मैंने बताया कि ये ओवम 40 से 45 घंटे तक एक्टिव रहेगा, तो यहां से यहां तक आने में कितना देर लगेगा, आधा घंटा एक घंटा। अगर इसके ट्रांसपोर्ट को हम स्लो कर दें, इतना स्लो कर दें कि इसको यहां से यहां तक आने में 2 से 3 दिन लग जाए, जब 2 से 3 दिन लग जाएगा तो यहाँ आते आते वो इनएक्टिव हो जाएगा। मैंने कहा कि 40-45 घंटे एक्टिव रहता है, और अगर वो इनएक्टिव हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट को हम स्लो कर देंगे, इनएक्टिव हो जाएगा, तो इस पर अगर फ्यूज भी करेगा तो कुछ करने वाला नहीं है। क्या करेंगे, बाय द स्लो डाउन द रेट ऑफ आपके ओवम ट्रांसपोर्ट। अगली बात करते हैं, बाय प्रिवेंटिंग द ओवम मैच्योरेशन। ठीक है, ओवम कैसे मैच्योर हो रहा है, मैंने बताया यहाँ से यहाँ मैच्योर होता है, इसको हम प्रिवेंट करते हैं, इसकी जितनी भी प्रोसेस है, जितना भी इसका स्टेप है, इसको प्रिवेंट कर दे। हमारे हाइपोथैलेमस से हार्मोन निकलता है GnRH, उसको गोनाडोट्रोपिन रिलीज, उसको रिलीज करके हम इसके फर्टिलिटी को, इसके प्रोडक्शन को हम स्टॉप कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं, बाय इंटरफियरिंग द इम्प्लांटेशन। मैंने क्या बताया कि इम्प्लांट होगा, अगर हम इम्प्लांट ना होने दें तो ये जायगोट उड़ता रहेगा, बहता रहेगा, तैरता रहेगा, और बाद में बाहर निकल जाएगा, बच्चा होगा ही नहीं। तो ये क्या करते हैं कि इम्प्लांटेशन को इंटरफेयर करके भी हम इसको स्टॉप कर सकते हैं। अगला है बाय डिक्रीजिंग द स्पर्मेटोजेनेसिस, ये मेल के लिए। अभी तक जितनी बातें थी वो सारी फीमेल के लिए थी, ये एकलौती बात है जो मेल के लिए है। भाई आदमी तो कुछ करे, सारा औरत ही क्यों करे। तो मेल के लिए क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस। इसमें दो तरीके सुनते हैं, या तो आप नसबंदी करा लीजिए, बच्चे जो आदमी होता है, जब राजीव गांधी का जो सॉरी इंदिरा गांधी का शासन काल था, तो संजय गांधी पकड़ पकड़ करा रहे थे नसबंदी, सभी नेताओं को टारगेट मिला था, विधायक को, सांसद को, कि तुम्हारे एरिया में इतने नसबंदी होने चाहिए, तुम्हारे में इतने होने चाहिए। ठीक है, 1400 रुपये मिलते भी थे नसबंदी कराने वाले इंसान को। अगर आपको लगे कि पैसे आपके पास कम है तो सरकारी अस्पताल जाइए, 1400 रुपये का व्यवस्था है आपके पास। ठीक है, तो क्या करते हैं, डिक्रीज स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या करता है कि स्पर्म के फॉर्मेशन को ही रोक देगा,
तो उससे क्या होगा कि इसको भी नहीं रहेगा तो फिर बाकी कहानी तो खत्म ही हो जाएगी। तो ये कुछ मैकेनिज्म है, ये किस मैकेनिज्म से ये हमारे सारे के सारे कंट्रासेप्टिव मेथड्स काम करते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे ओरल कंट्रासेप्टिव कितने प्रकार के होते हैं, ओरल कंट्रासेप्टिव्स के क्या क्या मैकेनिज्म होते हैं, कैसे कैसे काम करते हैं, एक और क्लास लेंगे और इस पूरे कंट्रासेप्टिव वाले टॉपिक को हम खत्म करेंगे। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।